हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे करेले की सब्जी। और ये सब्जी हम बनाएंगे बिल्कुल अचार की स्टाइल में बनाएंगे कि अचारी फ्लेवर आएगा हमारे करेले की सब्जी में। और आप देखेंगे कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। इसके लिए मैंने लिए हैं करेले, जो कि आप कोई से भी करेले ले सकते हैं। इसमें कई तरह के करेले आते हैं, कोई देसी, परदेसी या फिर छोटे बड़े ऐसे करेले आते हैं। मैंने ये छोटे वाले करेले लिए हैं और इनको मैं इस तरह से कट कर लूँगी। गोल पीसेस में मेरे को इसको कट कर लेना है। अच्छे तरह से मैं गोल गोल कट कर लूँगी और मैं इनको कट करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी। मेरे करेले कट हो गए हैं और मैंने इनको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं इन करेलों में एक चम्मच नमक मिला के और रख दूँगी। थोड़ी देर नमक मिला के और हाथ से इस तरह से मिक्स करना है और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। जब तक ये रेस्ट करेंगे, जब तक हम मसाला तैयार करेंगे, इसके लिए मैंने लिए है 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच राई और आधे चम्मच मैंने राई लिए है आधे चम्मच सॉरी आधे चम्मच राई और 1 चम्मच कलौंजी और थोड़ी सी लिए मैंने इसमें अजवाइन। और इसको मैंने सेक लिया है अच्छी तरह से, कम आँच करके हमें इस तरह से सेक लेना है। जब हम सेकते हैं तो इसकी खुशबू देखना कितनी अच्छी आती है। और इस तरह से इसको मैं इसमें डाल के और कूट लूँगी। अच्छी तरह से हमें कूट लेना है। आप इसको मिक्सी में भी कूट सकते हैं, मिक्सी के जार में भी ग्रेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से दरदरा मैंने इसको कूट लिया है। और अब मैं जो करेले मैंने रखे थे रेस्ट होने के लिए, उसको मैं देख लेती हूँ। 10 से 15 मिनट हो गए थे और करेलों ने अपना पानी छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने इनको इस तरह से निचोड़ लूँगी। इसका जो भी पानी निकलेगा हाथ से इस तरह से अच्छे से दबा के हमें निचोड़ लेना है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें पानी निकल रहा है और निचड़ रहे हैं। इसी तरह से पानी छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद में करेले, तो आप इस तरह से निकाल लें, इससे इसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। और मैंने इनको पानी से नहीं धोया है, केवल निचोड़ा है और ऐसे कि जैसे मैंने अलग से बर्तन में रखे हैं। पके हुए थे जिनके बीज अलग हो गए हैं, आप देख सकते हैं अलग से बीज निकल गए थे, तो मैंने इनको हटा दिया है। और अब मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच डालूँगी मैं इसमें बेसन। मैंने 2 चम्मच डाल दिया है। अब आधे चम्मच मैं डाल दूंगी मिर्ची, इसमें लाल मिर्ची डाली है। आधे चम्मच डाल दूंगी हल्दी पाउडर, आधे चम्मच डाल दूंगी धनिया पाउडर। और अब डाल देना है मुन्ने जो मसाला हमने कूट के रखा था, सौंफ, अजवाइन का और राई का, उस सब का मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। और आधे चम्मच इसमें डाला है मैंने आमचूर पाउडर। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल का जो फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस तरह से बना के देखेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ, बहुत इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। जैसे कोई अचार डालते हैं उसी तरह से हमारे करेले हमारे बनके तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से हाथ को सारे मसाले को मेरे को इस पर कोट कर लेना है। सारा मसाला इसमें मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, मैंने इसमें डाला है जीरा और सौंफ डाल दी है और मैंने डाल दिया आधे चम्मच हींग। और जो हमने करेले मिक्स करके रखे थे उनको ही मैंने इसमें डाल दिया है। और कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसी तरह से चलाते रहना है, जिससे कि हमने जो बेसन डाला था वो पूरी तरह से भुन जाएगा, पक जाएगा। इसीलिए मेरे को इस तरह से इसमें चलाती रहूँगी 5 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से पक जाएंगे और इसको बीच बीच में चला देना है। और हमारे करेले बिल्कुल पक के तैयार हो गए हैं लो फ्लेम पे और ये तेल में ही इस तरह से पक जाएंगे और टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। हमारे करेले बनके तैयार हैं। अब हम करते हैं सर्व। हम करेलों को किसी भी साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ खा सकते हैं, जो भी आपको मर्जी हो उसके साथ खाएं। ये बिल्कुल अचारी फ्लेवर में करेले बनाए हैं। हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह की सूखी सब्जी बना के हम करेले की लेके जा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। और ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता, छीलने की कोई झंझट नहीं है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।